दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ करारी हार को बर्दाश्त न कर पाए केकेआर की मालकिन सुहाना खान कप्तान श्रेयस अय्यर को लताड़ लगाते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर उनके पिता शाहरुख खान भी हैरान नजर आए। आखिर गुस्से में आकर श्रेयस अय्यर को ऐसा क्या कह दिया सुहाना खान ने जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, तो इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केकेआर की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही, श्रेयस अय्यर की खराब कप्तानी या फिर ऋषभ पंत की बेहतरीन कप्तानी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ श्रेयस अय्यर की टीम दिल्ली के दबंग थे तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर के नाइट राइडर्स और सभी को ये उम्मीद थी कि इस मुकाबले में केकेआर से बेहतर खेल दिखाएगी। लेकिन कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की टीम आज कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी। जी हां, पहले बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और लॉर्ड ठाकुर के धमाकों से केकेआर के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। जहां आपको बता दें कि दिल्ली के बल्लेबाजों ने कत्लेआम मचाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 216 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया और इसके बाद कोलकाता की टीम में जिल्लत झेलने वाले कुलदीप यादव ने आज अपनी पुरानी टीम के खिलाफ अपना पूरा गुस्सा निकाला। जी हां, इस खिलाड़ी ने कोलकाता को ये बता दिया कि वो केवल मैदान पर पानी ले जाने वाले खिलाड़ी नहीं है। दिल्ली की तरफ से आज इस गेंदबाज ने गजब की गेंदबाजी करते हुए पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 4 सफलताएं हासिल करते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी अपने नाम किया और वहीं कोलकाता की सनसनीखेज हार के बाद उनकी मालकिन सुहाना खान बेहद नाराज नजर आई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुहाना खान ने अपने बयान देते हुए कहा कि आज हमारी टीम ने हथियार ही डाल दिए और हमें इस मुसीबत में और इस मुकाबले में कोई लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई दी हमारी टीम, लेकिन हमने शुरू से ही इस मुकाबले में अपनी पकड़ छोड़ दी थी। मुझे लगता था 216 रन बनाने के बाद भी हमारी टीम कम से कम बैक तो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे लग रहा था कि श्रेयस अय्यर आखिरी तक बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी। भले ही हमने 3 मुकाबले जीत लिए हैं, लेकिन हमने कुछ इतना भी अच्छा खेल नहीं दिखाया। हमारी टीम के कुछ बल्लेबाज हर मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं और उसमें हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए और मुझे उम्मीद है कि वो अगले मुकाबले में वापसी जरूर करेंगे और हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। शायद ये बात उनको भी पता है। मुझे लगता है कि हमारी टीम अगले मुकाबले में बेहतर वापसी करेगी। वैसे अभी तो ये टूर्नामेंट की शुरुआत ही है। दोस्तों, जिस तरीके से सुहाना खान ने अपनी टीम को लेकर बयान दिया है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें दिल्ली के खिलाफ हार बर्दाश्त नहीं हुई है। वहीं उन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर जो बातें कही हैं उसके बाद क्या देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पर श्रेयस अय्यर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केकेआर की टीम इस साल फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।